को मौत के घाट उतार दिया। पहले खेत में पिता पर कुल्हाड़ी से वार कर मार डाला, फिर घर पहुंचकर सभी के खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी, फिर सभी को एक के बाद एक करके पानी की टांके में फेंक दिया, फिर खुद भी सुसाइड कर लिया। कुल 5 लोगों की मौत हो गई है। लोहावट थाना अधिकारी बद्री प्रसाद ने बताया कि घटना लोहावट के पीलवा गांव की है। आरोपी युवक नशे का आदी था, वो अफीम का नशा करता था। उसकी पत्नी से अनबन चल रही थी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। मौके पर एसएफएल टीम पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जोधपुर से जगदीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जगदीश, जोधपुर में एक अजीबोगरीब हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां पे पुत्र ने अपने ही परिवार को खत्म करके खुद भी आत्महत्या कर ली है। किन कारणों की वजह से ये वारदात हुई है, क्या कुछ पुलिस पता लगा पाई है? बिल्कुल सुखी बताना चाहूंगा कि जोधपुर के जो ये मामला है एक लाहौर क्षेत्र का है, लाहौर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा अपने ही माँ बाप और दो बच्चों को मार के खुद सुसाइड कंटेम किया है। उसमें जो जांच का जो विषय सामने आ रहा है, जो अभी तक जो जानकारी में आया है, वो ये आया है कि इस व्यक्ति ये आदतन नशा करता था। इसको नशे के लिए हमेशा रोका टोका जाता था उसके परिवार द्वारा, लेकिन उसको नशा नहीं मिलने पे या नशा अधिक करने के बाद में परिवार जनों को माँ और बाप को मारने के बाद में इस व्यक्ति ने अपने दो बच्चों को भी टाके में धक्का देकर उनको भी मार दिया और खुद ने जाके अपने मामा के जो जो टाका था उसमें सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों पहलू से जांच करी कि पूरे जांच के बाद ही पता चल पाया कि इसकी हत्या करना और खुद ने सुसाइड करने का जो कंटम जो इतना गंभीर कदम उठाया, कदम उठाने के पीछे रीजन क्या। लेकिन अभी जो जानकारी अभी यही आई है कि ये जो आदमी